नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इटकान गोविंद और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर म्यूजिक में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे भैरवी थाट। भैरवी थाट के अंदर कौन से कीज यूज होते हैं, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि रे, गा, धा और नी चारों ही स्वर कोमल हैं और इसको हारमोनियम के ऊपर कैसे बजाना है, हारमोनियम पे कैसे बजेगा आइए हम जानते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखिए, तभी आपको ये वीडियो देखने का फायदा है। तो आइए जानते हैं भैरवी थाट। भैरवी थाट में जैसे मैंने आपको बताया था रे, गा, धा और नी इसमें कोमल होते हैं, तो वो रे, गा, धा, नी कोमल कौन से होते हैं, हमें शुद्ध रे, गा, धा, नी को छोड़कर कोमल करना है। जैसे हमारा ये रे कोमल है और ये गा, ये धा और ये नी, ये चार स्वर हमारे कोमल हैं। और इसको बजाने का तरीका, इसमें अलंकार कैसे बजाया जाएगा भैरवी थाट के अंदर, तो सुनिए। तो हम इसके अंदर अगला अलंकार तीन का कॉम्बो, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था, वो कैसे बजाएंगे, जैसे सारेगा रेगामा, तो सुनिए। सारेगा रेगामा गामा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा मा गामा गा नी गा नी सा। तो हमारा नेक्स्ट अलंकार है जो वो चार का कॉम्बो है, उसको हम कैसे प्ले करेंगे देखिए। सारे गामा रे गामा पा गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। तो ये थे अलंकार और आपको इनका बार बार अभ्यास करना है ताकि आपकी हाथ की स्पीड अच्छी हो सके। तो फ्रेंड ये था हमारा भैरवी थाट, जो उम्मीद है आप सभी को समझ में लग गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।